के बाद भगवती देवकी को मिलेगा। भगवान नेत्र बंद कर वही स्थान पूजना के लिए निश्चित कर रहे हैं। अहो जो पूतना अपने पयोधनों पर जहर लगा के आई उसे आपने मां की गति दे दी। धात्री नाम तो धात्री के समान मां के समान गति दे दी। हम संसार को सब कुछ दे दें तो भी संसार आपसे चाह रखेगा। और एक बार प्रतिकूलता कर दीजिए, एक प्रतिकूलता, यदि एक छोटी सी गलती कर दी तो आपकी निन्यानवे अच्छाइयों को भूल जाएगा। आपकी उस एक गलती के कारण आपकी सारी अच्छाई भुला दी जाएगी। और हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, हमारे ठाकुर जी के सामने कोई रजिस्टर लेके चला जाए, फोटो वीडियो साथ में लेके जाए और कहे प्रभु ये महादुष्ट है, ये देखो विच प्रमाण बोल रहे हैं कि महादुष्ट है। भगवान ना तो सुनते हैं ना मानते हैं। एक बार कोई भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान उसके विषय में कुछ नहीं सुनते। हम नहीं कह रहे, गुरु स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जय संत ने कहा
और चौबे जी की पत्नी ने शब्द सा जैसे एक माँ अपने बेटे के प्रति धारण किए वैसा ही भगवान को सुंदर सेवा करती, समय पे दूध, समय पे बाल भोग, समय पे भोजन, अष्टयाम सेवा करना प्रारंभ कर दिया। परिवार के लोग तो परिवार भी होते हैं, एक दिन मीटिंग हुई तो कुछ भतीजों ने कहा, चाचा जी अब आपकी आयु बूढ़ी होती जा रही है, अपने परिवार में लड़कों की कोई कमी नहीं है, किसी एक बालक को गोद ले लो, आपका काम कौन करेगा बेटा, कौन देख रेख करेगा ये सब, वैसे भी आपके यहाँ तो कोई संतान है नहीं। जैसे ही यह शब्द सुना तो रसोई से चौबे जी की पत्नी बाहर निकल के आई, बोली लाला इस बात को बोल दिया, अब मत कहना कि हमारे यहाँ कोई संतान, हमारे हमारा कुंजा बेटा है, ये हमारा सब काम करेगा। तो कुंज बिहारी जी को कुंजा बेटा बोलते थे, बोली ये हमारा कुंजा बेटा है, ये हमारा सब काम करेगा, कैसे कह दिया तुमने हमारे संतान नहीं है। तो पंडित का बालक था लेकिन महापुरुष था, वो बोला चाची भला ये मूर्तियां किसी का काम करती है, तू पागल मत बन, हम लोग त्याग कर देंगे तुम्हारा घर से कुटुंब से त्याग कर देंगे, लेकिन निष्ठा तो निष्ठा होती है। चौबे जी की पत्नी ने कहा हाँ कर दो त्याग, मुझे विश्वास है मेरा कुंजा बेटा ही मेरे से काम करेगा। घर वालों ने कहा चाची जब मर जाओगी तो पड़ी रहोगी, उठाने भी नहीं आएंगे। पति ने कहा बता, भतीजा तो चला गया, परिवार के लोगों ने चौबे जी का ध्यान किया। 6 महीने बाद ही चौबे जी का शरीर, परिवार वाले नहीं है लेकिन बड़े धार्मिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सामाजिक पारमार्थिक कार्य करते थे, पूरे गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग ले जाने लगे मध्य मार्ग, बैठा जी के किनारे मध्य मार्ग में ही एक 8 वर्ष का बालक सांवरा सरोना दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए दौड़ा दौड़ा आया है, लिपट लिपट के बोलने लगा चौबे जी की शोभा। गांव के लोगों ने पूछा भैया तुम कौन हो, बोलिए मेरी पढ़ाई करा रहे थे, मुझे भोजन करा रहे थे, मेरे घर की व्यवस्था की, मेरे रहने की व्यवस्था की, मेरे पिता के घर से। गांव के लोगों को लगा कि भाई चौबे जी को पारमार्थिक कार्य कई करते थे, हो सकता है सेवा करते, ठीक है तो और कोई तो था नहीं, परिवार के लोग आए नहीं थे, तो अग्नि की जो हंडी होती है उसी का लगता है, चल भाई कोई नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही पुत्र कार्य करता है संपूर्ण दाह संस्कार का कार्य उस बालक में, परिक्रमा की संस्कार किया और संस्कार कर सब लोगों ने कहा भैया जलांजलि दे दो, तो श्री वैद्यवा जी की कमर कमर पानी में सब लोग गए, सब ने जलांजलि दी, तिलांजलि दी और तिलांजलि देके स्नान के लिए डुबकी लगाई, तो सबने डुबकी लगाई, सब निकले, सबने उस बालक को डूबते देखा लेकिन निकलते किसी ने भी नहीं देखा। तब याद आया सबको कि चौबे जी की पत्नी कहती थी कि हमारा कुंजा बेटा सब देखा। लोग पहुंचे कुंज बिहारी जी के मंदिर में और जब कुंज बिहारी जी के मंदिर के पट खोले गए तो कुंज बिहारी जी के हाथों में संतान की मिट्टी लगी थी, कपड़ों से पानी बह रहा था और मुर्गी चलो गए। आज भी मंदिर कुंज बिहारी जी प्रेम निभाना केवल भगवान का बस।